नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी 4 दिन और 3 रात नैनीताल घूमना चाहते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा खाने का और कितना खर्चा आएगा रहने का और ट्रैवल चार्ज कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो में, एक लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप जब भी होटल बुक करें तो वो हमेशा ऑनलाइन ही बुक करें, ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि होता क्या कि ऑनलाइन अगर आप होटल बुक करेंगे तो कई सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो क्या है कि आपका फायदा हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप नैनीताल में अगर एक होटल एक दिन के लिए बुक करते हैं तो आपका जो खर्च आएगा रहने का वो फ्रेंड्स आपका 900 रुपये के आसपास आएगा। तो हम लमसम खर्च मान लेते हैं 1000 रुपये के आसपास। तो फ्रेंड्स, अगर आप 4 दिन और 3 रात अगर आप नैनीताल में घूमते हैं तो आपका जो 3 रात रहने का खर्च आ जाएगा होटल का 1000 रुपये के हिसाब से, वो आपका 3000 रुपये हो गया। जी हाँ दोस्तों, 3000 रुपीज़ आपका होटल का खर्चा हो गया अगर आप 3 रात नैनीताल में घूम रहे हैं तो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं खाने की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक टाइम का खाना लेते हैं, एक नॉर्मल खाना ऑर्डर करते हैं, तो आपको जो खर्च पड़ेगा वो आपको 200 रुपये के आसपास का खर्च पड़ेगा एक टाइम का। तो एक दिन में अगर आप 3 टाइम लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका वो पड़ जाएगा यानी 200, 200, 200, तो यानी ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 600 रुपये। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप एक दिन का खाने का जो खर्च देखा जाए तो वो आपका 600 रुपये हुआ, और चाय पान का हम लोग और ऐड कर लेते हैं 100 रुपये, तो आपका जो टोटल खर्च हो जाएगा एक दिन खाने का वो आपका 700 रुपये पड़ जाएगा। तो अगर हम 4 दिन का देखें तो 700 रुपये के हिसाब से आपका 4 दिन का पड़ जाएगा 2800 रुपये, यानी कि 2800 रुपये आपका खाने का खर्च हो गया 4 दिन अगर आप नैनीताल में घूमते हैं तो। अगर मैं फ्रेंड्स ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल चार्ज आपका 4 दिन अगर आप नैनीताल में घूमते हैं तो वो आपका 2000 रुपये के आसपास आएगा। यानी कि आप 2000 रुपये आप ट्रैवल चार्ज ले लीजिए अगर आप 4 दिन नैनीताल में घूमते हैं तो। तो दोस्तों आइए हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होटल का चार्ज जो टोटल आया था वो आया था हमारा 3000 रुपये, और फ्रेंड्स हमारा जो खाने का चार्ज आया था वो हमारा आया था 4 दिन का 2800 रुपये यानी कि 2800 रुपये, और हमारा जो ट्रैवल चार्ज आया था वो हमारा आया था फ्रेंड्स 2000 रुपये। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो टोटल आता है वो आएगा फ्रेंड्स 7800 यानी कि 7800 रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप 4 दिन और 3 रात अगर आप नैनीताल में घूमते हैं तो एक लोग का जो खर्च आएगा रहने का, ट्रैवल चार्ज और खाने का, ये आपका 7800 रुपये आएगा। ये जो आपको मैं प्राइस बता रहा हूँ ये घट भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खर्चा कर रहे हैं, किस टाइप का होटल बुक कर रहे हैं, किस टाइप का खाना ऑर्डर कर रहे हैं और कैसा ट्रैवल आप ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।